नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में 9 अप्रैल से 10 अप्रैल 2020 में छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी में बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसे आप सॉल्व करके आप अपना तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमितों के रिकवरी में छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में कौन सा स्थान पर है। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट और प्रथम। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, कोरोना संक्रमितों की रिकवरी में छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में सबसे आगे। छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्ति की ओर सतत अग्रसर है। अब प्रदेश में केवल एक ही संक्रमित मरीज का उपचार है। दोस्तों यह 9 अप्रैल का अपडेट है। दोस्तों अभी कल वर्तमान में कोरबा के जो कटघोरा है वहां से 7 नए मरीज की पॉजिटिव पुष्टि हुई है दोस्तों, जिसके कारण अब प्रदेश में टोटल 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज है दोस्तों। जब यह कंटेंट जब छत्तीसगढ़ में पूरा जो 9 मरीज था वो अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था तब उनके रिकवरी के लिए विश्व में सबसे प्रथम स्थान था। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए राज्य स्तर सशक्त समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट और सुब्रत साहू। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सशक्त समिति का गठन राज्य शासन ने नोवल कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम के संबंध में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के कार्यों में सहयोग करने के लिए वरिष्ठ सचिवों की एक सशक्त समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव और अध्यक्ष राज्य कार्यपालिका समिति राजस्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण RP मंडल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत एक आदेश के जरिए सशक्त समिति गठित की है। इसके अनुसार इसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू होंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसे निम्न ऑप्शन दिए हैं, जैसे अजय सिंह दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा पुनर्नियुक्त किया गया है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यह हमारा है, जैसे विवेक ढान छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं और विवेक ढान जी वर्तमान में रेरा के अध्यक्ष भी हैं। इसमें हमारा अगला ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, जैसे रामचंद्र मेनन। दोस्तों यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में यह 13वें नंबर का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपज की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड 23। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, राज्य में समर्थन मूल्य पर बीज रहित फुलई मली की भी होगी खरीदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य में वनवासियों तथा ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज फुलई मली बीज रहित की खरीदी की जाएगी। इसे मिलाकर राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाने वाली लघु वनोपज की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। बीज रहित फुलई मली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 54 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। साथ ही फुलई मली के संग्रहण का लक्ष्य 20,000 क्विंटल रखा गया है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को GST क्षतिपूर्ति के रूप में कितने रुपए मिले हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 341.56 करोड़ रुपए।
क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। केंद्र से छत्तीसगढ़ सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के 341.56 करोड़ मिले। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर नवंबर 2019 का बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 341.56 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेश को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के लिए 1,554.43 करोड़ रुपये और मिलने हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ को अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार 1,896 करोड़ रुपए मिलने थे। इनमें से 341.56 करोड़ रुपए 7 अप्रैल को जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की फ्लोरेंस नाइटेंगल के नाम से प्रसिद्ध पुष्पा तिग्गा का हाल ही में निधन हो गया है, वे प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड सुकमा जिला। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आखिरकार कैंसर से जंग हार गई फ्लोरेंस नाइटेंगल कहलाने वाली पुष्पा तिग्गा। छत्तीसगढ़ की पुष्पा तिग्गा को फ्लोरेंस नाइटेंगल कहना शायद गलत नहीं था। पुष्पा खुद ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। बावजूद इसके 15 किलोमीटर दूर नक्सल इलाके में साइकिल पर जाकर लोगों का इलाज की थी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुष्पा दिग्गज ने आखिरकार कैंसर की जंग हार गई। सुकमा जिले के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुष्पा दिग्गज की उम्र तकरीबन 45 साल थी। सुकमा के छिंदवाड़ा ब्लॉक में करीब 40 किलोमीटर दूर घोर नक्सल प्रभावित इलाका गुन्ना और डब्बा इलाके में पुष्पा पिछले 12 सालों से NM कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रही थी। अब दोस्तों यह क्वेश्चन सुकमा जिले से संबंधित है, तो आप सुकमा के बारे में जान लीजिए। सुकमा जिले का गठन दंतेवाड़ा जिले का विभाजन कर 2012 में जिला का गठन किया गया था। सुकमा जिला का मुख्यालय जिला मुख्यालय सुकमा में है। कोंटा सबरी नदी के किनारे बसा है। मुख्य खनिज जैसे छत्तीसगढ़ में उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान है। टीन, ये दोस्तों टीन है, ये ट्रेन लिखा गया है। मुख्य खनिज जैसे टीन है वह छत्तीसगढ़ में उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ में 35% भंडारण है तथा इसका उत्पादन पूरे देश में 100% छत्तीसगढ़ से ही होता है। इस तरह टीन का उत्पादन में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान है। कोरंडम यह सोना कुका नार पृथ्वी में हीरा के बाद कठोरता द्वितीय स्थान है। सबरी नदी प्रदेश का एकमात्र नदी है जिसमें नौका परिवहन कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक संचालित होता है। सुकमा जिले में गुप्तेश्वर जलप्रपात रानी दहरा जलप्रपात है। दोस्तों इसको ध्यान देखिए, जो रानी दहरा यह सुकमा जिले में है तथा रानी दाह यह जसपुर जिले में है। सुकमा जिले में एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसमें है जैसे साइंस पार्क ही सुकमा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस बचाव के लिए DMF के कितने प्रतिशत राशि का उपयोग करने का छूट राज्य सरकारों को दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4, 30%। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। DMF के 500 करोड़ से कोरोना की जंग लड़ेगी छत्तीसगढ़ सरकार। कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम में जुटी राज्य सरकार के लिए अच्छी खबर है। अब जिला खनिज निधि DMF की 30% राशि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ाई में किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने DMF के 506 करोड़ के इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बचाव के लिए DMF का 30% का उपयोग करने
कि प्रदेश सरकार को छूट दे दी है। छत्तीसगढ़ में फरवरी के बाद बचे खनिज निधि के 1686 करोड़ में से 506 करोड़ का सरकार उपयोग कर राहत कार्यों में कर सकती है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर्स सेशन का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिए, ताकि छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर से संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, अगर आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप इस कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताएं। धन्यवाद।